प्रदेश के सिंगरौली जिले में चक्रवाती तूफान बारिश ओलावृष्टि से हुआ भारी नुकसान। आपको बताते चले कि जिले में शुक्रवार की दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक बदले मौसम के बिगड़ते हालात। जिले भर में कई जगहों पर उखड़ गए पेड़, बिजली के खंभे और कच्चे मकानों की छत भी। वहीं आपको आगे बता दें कि सब्जी वर्गीय फसलों को ओलावृष्टि से हुआ है भारी नुकसान। किसान भी है वहीं देखे गए परेशान। कोरोना संकट में बंदिश झेलते हुए शुक्रवार को जब लोग अपने घरों में थे तो बाहर बदले मौसम का कहर टूट पड़ा। इस कहर का सिलसिला शाम करीब 3 बजे शुरू हुआ, जिससे बादलों की तेज गरज चमक, आकाशीय बिजली, बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवर्ती तूफान ने एक एक कर जोर पकड़ा। मौसम के इस बदले मिजाज की शुरुआत हर किसी को डरा देने वाली बादलों की तेज गड़गड़ाहट चमक से हुई। इसके कुछ देर बाद धीरे धीरे तेज हवाएं बहने लगी और देखते ही देखते हवाएं चक्रवर्ती तूफान में तब्दील हो गई। मात्र इतने से ही हालात में लोग काफी ज्यादा भयभीत हो गए, लेकिन इससे भी ज्यादा भयभीत करने वाली स्थिति तब और भी ज्यादा निर्मित हो गई थी जब भारी बारिश और ओलावृष्टि भी होने लगी। स्थिति यह बन गई कि तूफान के झोंकों से कभी बारिश की लहरें इधर उधर मंडराती रहीं तो कभी चक्रवर्ती तूफान से एक जगह पर बारिश की लहरें घूमने लगी। यह नजारा देखकर हर कोई टेंशन में आ गया, आखिर यह क्या हो रहा है। दूसरी ओर ओलावृष्टि भी जिला मुख्यालय बैढ़न से लेकर आसपास के कई क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर करीब 20 से 25 मिनट तक हुई। भयभीत होकर लोग शंख बजाने लगे और इस प्राकृतिक आपदा से रक्षा करने की ईश्वर से कामना करने लगे। यह स्थिति शाम करीब 5 बजे तक बनी रही और इसके बाद अचानक धूप भी निकल आई। वहीं मौसम के इस बदले मिजाज ने जिला मुख्यालय बैढ़न से लेकर विन्नगर, नवानगर, अमलोरी, मोरवा, जैन, नौगढ़, माड़ा, बरगमा, देवसर समेत अन्य कई क्षेत्रों में खूब तबाही मचाई। इस दौरान कई जगहों से गृहस्थी के उजड़ने की कई घटनाएं सामने आई हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल भी हो गए हैं। चलिए हम आपको आगे लिए चलते हैं। आपको बता दें, बिजली व्यवस्था लड़खड़ाई, लाइनें हुई धस नहस। जिले में दोपहर के समय टूटे मौसम के कहर के दौरान जिला मुख्यालय बैढ़न से लेकर अन्य तमाम क्षेत्रों में बिजली सप्लाई व्यवस्था लड़खड़ा आ गई है। जब मौसम का कहर टूट रहा था तो उस दौरान बिजली मुख्यालय बैढ़न से लेकर आसपास के अन्य क्षेत्रों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं हम आपको बताते चले कि मोरवा इलाके के कई इलाकों में बूढ़ी माई मंदिर, हरामी चौराहा और दुद्धी चुआ रोड में कई इलाकों में दोपहर से ही लाइट नहीं है। अभी भी जो MPP वाले हैं उसको बनाने में जुटे हुए हैं। कई जगह तो देखने को मिला कि पोल भी जो है टूट गए हैं और तार भी टूट कर जो है सड़कों पर रोड के किनारे लटक गए हैं। पोल खोल पोस्ट के लिए सिंगरौली से सुनील सोनी की रिपोर्ट। क्या आप भी बाहर की दवाइयों को लेकर रहते हैं परेशान? तो अब आपकी परेशानी हो गई है यूं खत्म। आज ही आए ज्योति मेडिकल स्टोर, जहां उपलब्ध है आयुर्वेदिक और सारी अंग्रेजी दवाइयां 10% की भारी छूट के साथ। साथ ही बड़े शहर जैसे बनारस, चेन्नई, जबलपुर और दिल्ली के साथ साथ NCL, नेहरू और NTPC की पर्चियों की दवाइयां भी आसानी से उपलब्ध हैं। अब घर बैठे कभी भी ऑर्डर करें और पाएं फ्री डिलीवरी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्योति मेडिकल स्टोर, UBI रोड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सिंगरौली जिले में आ गया ग्रोसरी फॉर यू। फिर देर किस बात की, जल्दी विजिट करें और पाए सारे ग्रोसरी आइटम में डिस्काउंट और साथ ही ऑनलाइन बिल। 500 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में। दुकान दुकान में भटकने से छुटकारा, अब एक ही स्टोर में सब कुछ। दुकानों में भटकना क्यों, ग्रोसरी फॉर यू लाया है ऑनलाइन डिलीवरी घर बैठे ही। बचत भी बचत भी। हमारा पता है गनियारी रोड बैठन चंद्र पैलेस के पास, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9689654877001370078। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।